पेड़ कितना डरावना लग रहा है भाई, पेड़ बहुत खतरनाक लग रहा है, मजाक नहीं ऐसे लग रहा है। पता क्या लग रहा है, पता क्या लग रहा है, मतलब पेड़ खाने के लिए आ रहा है हम लोग। कोई नहीं, बंदा देख रहा कैसे। हे गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। आज का ये ट्रिप बहुत एडवेंचरस होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। हम टोटल 9 लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, जिसमें से 2 लोग हैं जो कि पहले वहां जा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं, एंड उसके आगे का प्लान आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड इनमें से कुछ लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन में, सो इनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। और मैं अभी इन लोगों से कुछ आगे के प्लान के बारे में डिस्कस ही कर रहा था, तभी हमारी ट्रेन चल चुकी थी। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। शाम को 7 बजे के अराउंड हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही हर की पौड़ी तक जाएंगे, बिकॉज स्टेशन से हर की पौड़ी का डिस्टेंस काफ़ी कम है। हम लोगों ने जस्ट घाट के सामने ही रूम लिया, बैग्स रखे, रूम को लॉक किया, देन डिनर के लिए निकल गए, बिकॉज हम लोग को काफ़ी भूख लगी थी। खाना खाने के बाद हम लोग हर की पौड़ी के पास गए, वहाँ पे हमने देखा कुछ कैमरामैन फोटोज क्लिक कर रहे थे, तो हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाई अपनी। उसके बाद भी हम लोग वहाँ घूम ही रहे थे, बिकॉज हर की पौड़ी और वहाँ का पानी रात में एक अलग ही रूप ले लेता है। बहुत ही अच्छा रूम मिल गया था हम लोग को, बिल्कुल घाट के एकदम सामने, एंड यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा था पूरे हरिद्वार का, वो जो कि आप देख सकते हो। दिन में जितना ही सुंदर दिखता है ये पानी, रात में ही उतना खतरनाक। कल दोपहर 1 बजे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और हरिद्वार पहुँच के हमने रात में एक रूम लिया है जो कि हर की पौड़ी के पास में मिल गया है। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हमें इतना ट्रैवल करने के बाद भी हम सबको नींद ही नहीं आ रही है। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ हरिद्वार का, हर की पौड़ी का, आप लोग देखिए पानी का फ्लो देख सकते हो। जब हम लोग शाम को यहाँ पहुँचे थे इतना तेज़ का फ्लो नहीं हो रहा था, बट इस समय पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है। और आप देख सकते हो हर की पौड़ी के पास सभी लोग यहाँ किनारे पर सोए हुए हैं, एंड कुछ शॉप्स भी खुली हुई हैं। बाकी आप व्यू देख सकते हो, एंड आगे का जो भी प्लान होगा मैं आपको व्लॉग के थ्रू कंटिन्यू करता रहूँगा। जो लोग ज़्यादा ही थक गए थे वो रात को घूम के आने के बाद सो गए थे, एंड जिनको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो रात भर जगे रहे। नाउ सुबह के 4 बज रहे हैं, हमने कपड़े ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी के पास गंगा में स्नान करने के लिए। टाइम के हिसाब से आप लोग रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि पानी कितना ठंडा होगा। हिम्मत बनाओ, भोलेनाथ का नाम लो मन के अंदर। कम प्रेम में आओ। अच्छा प्रेम में आओ। किधर के बोलो? कुछ सेकंड बाद वीडियो के बैकग्राउंड में आने वाला जो साउंड है वो अगर आप लोग हरिद्वार आए होगे तो आप समझ पाओगे वो किस तरीके का साउंड है। तो हो जा रहे हैं। तो सुनने के बाद तो हम लोग अभी नहाए भी नहीं थे, बट पहले हम लोग शॉक हो गए थे ये सुन के, अभी तो नहाना बाकी है। फोटो कौन नीचे? अरे तुम यहाँ के निकल जाओ, तो उसके बाद में निकल जाएंगे। चल चल, क्या भाई हो गया? हो गया परमवीर? हो गया भाई? भैया अभी मैं सरिया पकड़े, सरिया पकड़ के चलो, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। हाँ जाओ 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 जाओ, कूदिया मत कूदिया, जा जल्दी 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 जा। सामने से भी यहाँ से जा रहा
नहा के चल रहे ना फटाफट। एक सेकंड 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 जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरी दूसरी दूसरी। पांच पांच दो जल्दी 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 जल्दी। तीन चौथी पांची 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 जल्दी जल्दी। चल आ जा आ जा आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा। आराम से आराम से आराम। पकड़ के रखियो ब्रांच पकड़ के रखियो। हो गया बस करो। ये लोग तो नहा लिए, अब मेरी बारी है। ठंड काफी कम हो जाती है एक बार पानी में एंटर होने से। हर हर गंगे। एक दो तीन हो भाई जल्दी करो। तीन हो गई। चार चार हाँ चार चार हो गई। हाँ हाँ पांच बहुत सही। बस आ जाओ। हाँ आ जाओ बस। वीडियो ग्लिच होने का सिर्फ एक ही रीज़न है। आप देख सकते हो ठंड की वजह से पूरी बॉडी किस तरीके से वाइब्रेट हो रही है कैमरामैन की। सुबह के कितने बज रहे हैं? 5:30 हो रहे हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप व्यू देख सकते हो कितना ऑसम सा व्यू हो रहा है। मेरी भी तो ले एक ले इधर तो। कौन से मेरी ले ली भाई? बस मैं ही नहीं आया। अभी गंगा आरती जारी है और पूरी सुनने के बाद हम लोग वहाँ आप देख सकते हो ऊपर की तरफ माता मनसा देवी की ओर जाने वाले हैं। गंगा आरती से हम लोग निकल चुके हैं माता मनसा देवी की ओर। तो वहाँ से हमने इतना स्टेयर कंप्लीट किया एंड हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो हरिद्वार का। काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। अभी हमें काफ़ी और ऊपर जाना है वहाँ तक। चलो और हम लोग अभी ऊपर पहुँच चुके हैं भाई और आप देख सकते ऊपर से व्यू हरिद्वार का। देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। मेरा ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। फोटो खींच लो। हेलो देखा चलो चलते चलो। वही तो उसका हाथ पंचर हो गया। माता मनसा देवी के दर्शन के बाद सीढ़ियों से नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में एक चट्टान से ऊपर रास्ता जा रहा है जहाँ से ये ओवरऑल व्यू आपको दिख रहा है। भाई भाई अभी 7 बज रहे हैं 7:30 8 बजे तक नीचे जाते हैं। सुबह ठंडे पानी से नहाने के बाद और इतनी सीढ़ियाँ ऊपर आने के बाद अब जाके पूरी बॉडी पर धूप लग रही है एंड हवा भी काफ़ी चल रही है। दीदी
हम लोग अब रूम पर वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से किस तरीके का ये व्यू दिखता है पूरे हरिद्वार का, हर की पौड़ी का। जैसा कि मैंने कहा था कि रात में पानी किस तरीके का दिखता है एंड दिन में किस तरीके का। जल्दी से रेडी होकर हम लोग निकलने वाले हैं माता चंडी देवी की ओर, बिकॉज टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, रूम चेकआउट करने का टाइम होने वाला है। निकल चुके हैं हम लोग माता चंडी देवी के दर्शन के लिए। अभी आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, एंड हमारे आने से एक दिन पहले धूप बिल्कुल नहीं थी, पूरा क्लाउडी वेदर था, बट इस टाइम काफ़ी अच्छी धूप हो रही है। आगे कुछ शॉप्स हैं खाने पीने की, वहाँ से हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे माता चंडी देवी के लिए। हरिद्वार से माता चंडी देवी के लिए बाय रोड 20 मिनट का रास्ता है कम से कम, एंड उसके बाद हमें ऊपर चलना पड़ेगा पहाड़ों पे पैदल। माता चंडी देवी के दर्शन के लिए हमने इतना रास्ता कवर कर लिया है, बस इतना और रह गया है, चलो चलते हैं। ये है ना असली मजा, जन्नत मजा, व्हाट अ नाइस ब्यूटी। जगह जगह पर ये रोड खिसकी हुई है नीचे की तरफ, सेफली हम लोग साइड से होके ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप ब्यूटी देख सकते हो यहाँ की। माता चंडी देवी का मंदिर बादलों की ऊंचाइयों पर, व्यू देख सकते हो आप, काफी ग्रीनरी व्यू है यहाँ पे। चलो भैया, ऑसम ब्यूटीफुल, चलो अंकल जी को खुश कर दिया उन्होंने। पानी पी रहे? नींबू पानी। काफी नीचे है, अगर हमने शॉर्टकट नहीं लिया होता, नॉर्मल रूट से आते तो काफ़ी मुश्किल जाता हमारा आना, बट हमने शॉर्टकट लिया काफ़ी जगह पे, तब जाके हम इतने ऊपर इजीली पहुंच गए हैं। बस अब थोड़ी सी और डिस्टेंस कवर करना रह गया है एंड हम पहुंच जाएंगे माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। सो अभी थोड़ा सा और रह गया, इसे भी कवर करते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको। बस थोड़ा सा दूर है माता चंडी देवी के दर्शन के लिए, बस थोड़ा सा, सबकी हालत डाउन हो गई भाई, सबकी, मेरी भी, तेरी तो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नजदीक है अब, बहुत ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक है अब, किस चीज के, बहुत ज्यादा हाँफते हुए तो जा रहे हैं। जय, फर्स्ट टाइम वाह, क्या माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल, ऑसम। माता चंडी देवी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग माता अंजनी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, एंड आप देख सकते हो माता मनसा देवी का मंदिर, आप देख सकते हो यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है। सो चलते हैं फटाफट, चलो 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 चलो। हर माता अंजनी देवी के हम लोग दर्शन कर चुके हैं और आप देख सकते हो इस समय टॉप पर है बिल्कुल। ओके ये देखो, ये हमारे छोटे दोस्त, ये देखो कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। हम लोग माता चंडी देवी के दर्शन करके रिटर्न आ चुके हैं हर की पौड़ी पर, और अपने रूम में जाके जो हमने प्रसाद खरीदा है उसे हम रखेंगे और फिर से एक बार नहाने के लिए आएंगे।
नहाने के बाद रूम पे वापस आकर हमने अपना सारा सामान पैक किया, रूम चेकआउट किया, देन हम निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 1 आवर से ज़्यादा हमने ट्रैवल किया। सुबह से ट्रैकिंग करने के बाद सब लोग इतना थक गए थे कि गाड़ी में ही अपनी अपनी नींद पूरी की। अभी सबसे चैलेंजिंग टास्क बाकी है जो कि है ऋषिकेश पहुंच के रूम सर्च करना। कि जो कुछ भी होने वाला है वो आपको सब कुछ वीडियोज़ में देखने को मिलेगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। हरकी पौड़ी को क्रॉस करके अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। जस्ट अभी अभी हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। कौन सा झूला है? लक्ष्मण झूला है? नहीं, जानकी जानकी झूला, जानकी झूला पहुंच गए हम लोग। और अब रूम ढूंढेंगे, है ना? हाँ चलो रूम ढूंढते फटाफट। चलो चलो। ऑटो में इतना ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, जो कि आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, जो कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पर भी हरिद्वार की तरह बिल्कुल सेम, दिन में बिल्कुल शांत, रात में इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है। काफ़ी देर तक हमने रूम सर्च किया बट हमारे बजट के अकॉर्डिंग रूम अवेलेबल नहीं था। हम लोग घाट के पास में ही खड़े थे, वहाँ पे स्ट्रीट फूड बेचने वाले कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम आपको रूम अवेलेबल करा सकते हैं, तो वो हम लोग को ले गए जहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे। होटल पहुँच के देखा कि हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग रूम अवेलेबल थे, तो हमने रूम ले लिया। देन हमने बैग्स रखे, कुछ लोगों को आराम करना था तो वहीं पर रूम में रुक गए, बाकी जिनको नहाना था वो घाट पे गए नहाने के लिए। रात में हम लोग पूरा ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने वाले हैं, देन हम मॉर्निंग में जाएंगे नीलकंठ दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग में मैं इस समय अपने होटल के टेरेस पे हूँ, जो कि आप देख सकते हो पूरे पहाड़ ग्रीनरी हो रखे हैं। मैं जस्ट नहा के टेरेस पे आया हूँ और यहाँ पे हवा काफ़ी चल रही है, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं बिकॉज हम लोग को अब निकलना है नीलकंठ दर्शन करने के लिए। सो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं या पैदल। आगे हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं सब कुछ मैं आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता रहूँगा। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं आगे नीलकंठ के लिए, बिकॉज रूम चेकआउट करने की जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें गाड़ी से जाना पड़ रहा है। आगे जो कुछ भी स्पेशल दिखेगा उसे मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लोर करता रहूँगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस रूट पे नीचे की तरफ जो गंगा बह रही है वहाँ पे बोट राफ्टिंग भी होती है, जो कि आप देख सकते हो। इसी तरीके की मैं अच्छे अच्छे मूवमेंट कैप्चर करने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। फ़ोन को स्टेबल रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है जिसकी वजह से रोड काफ़ी डैमेज हो जाती हैं, सो इसीलिए वीडियोस इतनी अच्छी नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। बट फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे मूवमेंट कैप्चर किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो माउंटेंस हैं ये जैसे हम बचपन में ड्राइंग्स करते थे कुछ उस तरीके के माउंटेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। लाइट टू डार्क की कितनी अच्छी वैल्यू शो हो रही है, ये चीज़ तो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है।
इस स्टेज पे कितने अच्छे तरीके से शो हो रहा है कि रोड किस तरीके से कर्व हो रखी है एंड कितने ज़्यादा डेंजरस लग रहा है देखने में। पूरे रास्तों में ऐसे काफ़ी सारे डेंजरस स्पॉट हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं बट उतने ही डेंजरस भी होते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए। यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना ग्रीनरी व्यू हो रहा है, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि सावन के मंथ में किस तरीके की ग्रीनरी होगी यहाँ पे। दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करने का एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव महादेव। सो यहाँ पे हमने फोटोज़ क्लिक करवाई अपनी और थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। मार्केट से भी हमने घर के लिए कुछ प्रसाद और मंदिर के लिए सामान भी खरीदा। बाहर निकलने के बाद पास में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। इन लोगों ने खाना खाना स्टार्ट भी कर दिया था बट मेरा खाना थोड़ा लेट था क्योंकि मैंने कुछ और ऑर्डर किया था। ये सेम खाना मैंने कई बार खाया सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इस बार अलग ट्राई किया जाए। इन लोगों को खाने देते हैं मेरा खाना आने से पहले। बाकी मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ बाहर का, यहाँ से किस तरीके का व्यू दिखता है। इन लोगों का खाना अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ और यहाँ मेरा भी खाना आ चुका है वेजी राइस। सो अब मैं अभी खाना खाना स्टार्ट करता हूँ। और अब हम लोग नीलकंठ के दर्शन करने के बाद अब ट्रैक करके नीचे वापस जा रहे हैं और आप व्यू देख सकते हो। व्यू देखो आप, व्यू कितना ऑसम व्यू है। और दो लोग नीचे से आ रहे हैं, एक ही ऊपर जो मंदिर है टॉप पे, ये ऊपर वाले जो मंदिर है से क्या नाम है? हम लोग ऊपर नहीं गए ना, जाना है क्या? चलो आगे चलते हैं फटाफट। कितने ऊपर पर घर बनवा रखे हैं लोगों ने भाई। और ये हमारा रास्ता, नीचे का व्यू इस तरीके का है। तो बंदर आ गया भाई। So, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस जाएंगे पैदल, वो भी ट्रैक करके। मुझे लगा कि हम लोग पहाड़ से नीचे की तरफ जाएंगे ट्रैक करके बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया, हम लोगों को पहले ऊपर जाना पड़ रहा है ट्रैक करके। तो अराउंड 1 आवर ट्रैक करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है यहाँ से। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। हम लोग वहाँ से होके घूम घूम के यहाँ तक आ चुके हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं 6-7 किलोमीटर अभी बाकी है। सो चलते हैं अभी। कुछ लोग वहाँ नीचे बैठे हुए हैं थक के, कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं। इसी चीज़ के तो पैसे हैं, हैं इसी चीज़ के पैसे हैं भाई। कौन से कितने? इतना जो खर्चा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। व्यू देखो आप लोग, व्यू जितना भी दिख रहा है उतना देखो बस। बस चलो, तो मैं कभी वीडियो में यार मैं भी लगा लूंगा। तो वहाँ खड़ा हो जा, वहाँ भाई साहब, इधर से देखो आप लोग व्यू। ये भाई साहब जन्नत, यहाँ से खड़े होके पूरा ऋषिकेश नजर आ रहा था। आप लोग व्यू देख सकते हो यहाँ से, गंगा रिवर कितनी लंबी एकदम स्नेक की तरह दिखाई दे रही है और आसपास के जितने भी घर हैं कितने क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। वीडियोस में तो उतनी अच्छी तरीके से शो नहीं हो पा रहा है बट यहाँ से खड़े होके इतने अच्छे तरीके से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, चलो चलते हैं, चलो चले चले चलो भाई। इतना ऊपर से नीचे आने का क्या दिख रहा है, ये क्या होने वाला है?
चलो हमारे पास है वहां आदर आराम से आराम से आराम से देख के देख के आराम से साइड से ना साइड से एकदम साइड मम बोले साइड से ओ भाई साहब ओ भाई नीचे देख सकते हो नीचे देख नीचे ऊपर से भाई ये सारा कुछ नीचे गिरा जो कि वहाँ जाके रुका हुआ है चल 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 भाई निकल निकल आराम से आराम आराम से रुक आराम से देख सकते हो नीचे गया पूरा नीचे पेड़ देखियो पता इतना बड़ा पेड़ हो के भी हमसे नीचे है ये बात कर भाई मजा तो आ गया पैसा वसूल है ठंड होती ना और मजा आ जाता ठंड होती अगर धूप नहीं होती तो मेरा जैकेट लाना भी सफल हो जाता सफल हो रहा भैया हो रहा जैकेट काम पड़ रहा है कैसी बात कर रहे हो शर्ट निकाल के रख दो ध्यान से बोलो मत तेज चलाने के हर हर महादेव रणवीर से बोलो जय माता दी 1 2 3 4 बता जी का जैकेट शिक्षा सही है हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव देखा सामने से आ रहे लोगों ने हमें अलर्ट किया कि आपको रास्ते में आगे ढेर सारे मंकीज मिलेंगे जो कि आपका ये प्रसाद छीन सकते हैं तो हम में से लोगों ने कुछ प्रसाद जैकेट में डाल लिया एंड कुछ प्रसाद अपनी शर्ट के अंदर रख लिया ताकि मंकीज को भी कोई भी खाने पीने का सामान हमारे हाथ में दिखे ना तो कौन बताता है यहाँ का रास्ता इतना हम इंडियन हो के नहीं पहुँच पा रहे हैं चलो 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 हर हर कोई खाया ही नहीं क्या बोल रहे तो खाया दादा गान से भैया जी वहां घर दिया ना वो कौन सा है दिस इज अ व्यू चलो 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 वीडियो बना रहा हूँ आराम से चलो 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 आ जाओ भाई आ जाओ खींच लो खींच लो सब लोग खींच लो हैं हाँ हाँ वहीं से बोला था यार मैंने जानकी झूला यहाँ है तो हम इधर जाना इधर वहाँ देख लेगा जानकी झूला कहाँ है जानकी जो इधर है ना यहाँ है इधर थोड़ी है चलो 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 भाई चलो पीछे कर दो टाइम को चलो 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 सही है और आराम से बच गए बंदर से बच गए भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ यार परमवीर मजा आ रहा है बिल्कुल आ रहा भाई हर हर महादेव मजा आ गया अरे आ जाओ यार बहुत शॉर्टकट है भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आराम से आओ एकदम आराम से आ गए हम लोग भाई बहुत तगड़ा शॉर्टकट लेकर आए हैं चलो 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 आई थिंक ये जिस वे में पूरी मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है पानी का प्रेशर कितनी तेजी से नीचे की तरफ आया होगा जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ होगा काफी लंबा रास्ता हमने कवर कर लिया ना आजा परमवीर वरना हमें वहाँ से घूम के आना पड़ता है यहाँ फिर आधा पर हमें चले आराम से
ये शॉर्टकट होता नहीं, बस लोगों ने बना दिया कैसे भी करके, खोद खाद के। परमवीर यार तुम सबसे आगे चल रहे थे चलने में, लेकिन ये ढलान पे तुम सबसे पीछे हो गए। सामान तो सबने ले रखा है। एक बार है, चलो भाई चलो। लगता है ना अंकल ने वाला रूट नहीं पकड़ा, तभी वो बता रहे काफी लंबा भी है। चलो खतरनाक भी रास्ता है, शॉर्टकट देखा था तूने? गया था उससे? अच्छा तब फिर गया तो फिर कैसे खतरनाक होगा यार? आधा घंटा तो कवर ही कर लिया, अब आधा घंटा बचा। बम बम बोले आराम से भाई, आराम से आराम से। वो छिल जाएगा ना, नहीं है वो धस जाएगा, वो धसता भी नहीं है। सुन कर देगा, सुन कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तभी वो भैया बता रहे हैं यार इतना लेट हो जाएंगे, अपने पे टाइम बहुत कम है। चेकआउट करना रूम से, 11 बजे की टाइमिंग थी, बट काफी लेट हो गए हम लोग। वहां जाके देखेंगे रूम वाला क्या बोलेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो मिलेगा, मिलेगा रास्ते में, क्या पता और मिले। बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता। आ जाओ भाई आराम से आ जाओ, पेड़ तोड़ के। इसे देख के तो कंफर्म हो गया है कि पानी का प्रेशर कितनी तेज़ी से नीचे आया होगा, जिसकी वजह से ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है और ये पेड़ यहाँ पे आके अटक गया है। अगर आप बिना शॉर्टकट के आए तो हमें प्रॉपर 5 से 6 घंटे लग जाएंगे ऊपर नीचे आने में यहाँ से। भाई पेड़ बहुत खतरनाक लग रहा है, मुझे नहीं। ऐसे लग रहा है, पता क्या लग रहा है? पता क्या लग रहा है? मतलब पेड़ खाने के लिए आ रहा है हम लोग। कोई नहीं, बंदा देख रहा कैसे। अबे ऐसे मत, अबे क्या कर रहा है? कूद उस पर चढ़ रहा है, लंगूर बन रहा है, लंगूर बन रहा है। चलो आराम से, हम सब काफ़ी देर से ट्रैक करते हुए नीचे आ रहे थे, सब लोग काफ़ी थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग रेस्ट करेंगे, थोड़ा एनर्जी लाने के लिए नींबू पानी पियेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। और कौन देगा? फ्री में इन सबको थोड़ी लाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल होगा तो फ्री में पैसे लिए। प्राइवेट वाला तो लोग बंदे आएंगे नहीं ना, इतने पैसे वो खुद ही आएंगे स्कूल वाले, तो क्या करेंगे, बहुत दूर अभी तो। चलो 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 चलो, अभी भी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा ना। यहाँ से गिरा नहीं, वो सोच के गया होगा कि आ जाएंगे 11 बजे तक, यहाँ 5 बजे। जगना तो ऐसे नहीं यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। अच्छा हाँ हाँ,
बम बोले मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं आगे देख रहा भाई। अब रास्ता काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। पूरे रास्ते में हम लोगों को कहीं पर भी पानी का एक भी साउंड नहीं मिला, बट यहाँ पे हमें एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है इसका। इतने घंटों से ट्रैकिंग करने के बाद अब जाके हमें रोड दिखाई दी। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह था, बिल्कुल उसी की तरह फीलिंग आ रही थी। बट रोड दिखने के बाद भी कम से कम हमें एक डेढ़ घंटा चलना पड़ा, तब जाके हम लोग उस स्पॉट पे पहुंचे जहां से हमने गाड़ी बुक की थी ऊपर नीलकंठ पे जाने के लिए। होटल पहुंच के हमने रूम चेकआउट किया, टाइमिंग की वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। हमने वहां से बैग लिए और हम लोग अब निकल चुके हैं अपने न्यू डेस्टिनेशन के लिए। ऊपर की तरफ आने के बाद हम लोगों ने एक ऑटो बुक की जो कि हमें बस अड्डे तक लेके जाएगी, फिर वहां से हम लोग देहरादून के लिए निकलेंगे। हम लोग देहरादून तो पहुंच गए बट अनफॉर्चुनेटली हमें किसी प्रॉब्लम की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली। ये लोग अपने किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, इन लोगों को डिबेट करने देते हैं। और बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा देहरादून, बाकी बची हुई चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। हमारी ट्रेन को आने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।